फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पान की आइसक्रीम बनाने वाले हैं। पान नवाबी बहुत ही टेस्टी होती है, यम्मी होती है, देखने में भी कलर बहुत ही अच्छा होता है और बच्चों की तो फेवरेट होती है। तो चलिए बनाते हैं पान नवाबी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आइसक्रीम बनाने वाले हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए मैं बता रही हूँ। बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम बनेगी। और ये आधा लीटर मैंने दूध लिया है, कम से कम हमारी 2 लीटर आइसक्रीम इसमें बन जाएगी। तो कैसे बनेगी और कैसे क्या क्या चीज़ें डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ये दूध लिया है, फुल क्रीम है, 7% इसमें फैट है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, फुल क्रीम मिल्क ही लेना है और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ही लेना है। 8 बड़े चम्मच मैंने चीनी दी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीनी डलती है तभी इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और ये जो 2 चीज़ें हैं ये मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। ये GMS है, GMS जो वॉल्यूम को बढ़ाता है वो आइसक्रीम के। और इसका आधा लीटर दूध से ये 2 लीटर के करीब आइसक्रीम बन जाती है। और ये है CMC, जो कि वॉल्यूम जो बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल में रखता है और पिघलने नहीं देता आइसक्रीम को। तो ये GMS और CMC पाउडर ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। ये मैंने 1.5 बड़ा चम्मच लिया है GMS और CMC पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये 1.5 बड़ा चम्मच है और ये 1/4 टीस्पून है। इसके अलावा मैंने कॉर्नफ्लोर लिया 1.5 बड़ा चम्मच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम मिल्क को 1/2 कप मिल्क इसमें निकाल लेंगे और बाकी हम इसको बॉइल करने के लिए रख देंगे। इसमें से 1/2 कप मिल्क मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, और इसको हम बॉइल करने के लिए रख देते हैं गैस पर। ये देखिए, ये जो 1/2 कप हमने मिल्क निकाला था, अब इसके अंदर हम लोग कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये मैंने कॉर्नफ्लोर आपको बताया 1.5 चम्मच लिया है, ये कॉर्नफ्लोर इसमें डाल देंगे। और ये GMS, ये मैंने 1.5 चम्मच लिया, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और याद रखिए, दूध ठंडा ही हो नॉर्मल टेम्परेचर पर, गर्म दूध नहीं लेंगे, नहीं तो ये इसमें मिक्स नहीं होगा और इसको मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये मैंने CMC पाउडर, जो कि मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, तो ये भी इसमें डाल देते हैं। तो ये तीनों चीजें मैंने डाल दी हैं, अब इसको मिक्स करते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे मिक्स करेंगे और ये थोड़ा सा टाइम में मिक्स हो जाएगा अच्छे से। ये देखिए, 2-3 मिनट हो गए हम इसको घोलते हुए, अभी ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। इसको टाइम लगता है थोड़ा मिक्स होने में, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। चलिए अब हम दूध की तरफ चलते हैं। ये देखिए, जो बाकी बचा हुआ दूध था हमने बॉयल करने के लिए रखा था, ये बॉयल हो चुका है। अब हम ये जो 8 बड़े चम्मच हमने चीनी ली थी वो डाल देते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं या हल्का थोड़ा कम कर सकते हैं, पर ये मेरे अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। 8 चम्मच आप डालिए। अब हमने ये जो घोल बनाया था GMS और CMC और कॉर्नफ्लोर का, वो हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे और इसको हिलाते जाएंगे लगातार। ये देखिए, मैंने सारा डाल दिया इसमें और इसको लगातार हिलाते जाएंगे जिससे कि इसमें गांठें ना पड़े। और इसको कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही बॉईल करना है आपको। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और मिल्क हमारा थोड़ा सा थिक हो गया है, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर डाला था उसकी वजह से। 5 मिनट हमने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, हमारे ठंडी हो गई है। अब हम इसको एक एयर टाइट किसी कंटेनर में डाल देंगे
और इसको फ्रीजर में जमा देंगे कम से कम 6-7 घंटे के लिए। उसके बाद फिर इसकी हम आइसक्रीम बनाते हैं। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम बंद कर देंगे जिससे कि हमारी बर्फ ना जमे ऊपर। इस तरीके से हम इसको फ्रीजर में रख देंगे कम से कम 6-7 घंटे के लिए, या ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप। आज हम पान की आइसक्रीम बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पर पान के पत्ते लिए हैं। सबसे पहले तो ये 5 मैंने पान के पत्ते लिए हैं, इससे हमारा बेस तैयार होगा। ये मैंने इलायची ली है छोटी 5-6, और ये 2 बड़े चम्मच मैंने सौंफ लिए, ये 2 चम्मच मैंने गुलकंद लिए। ये आपको पान वाले की दुकान से मिल जाएगी गुलकंद भी और पान के पत्ते भी, जो आप इजीली ले सकते हैं। ये मैंने थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और ये मैंने पिस्ता लिए हैं। तो हम थोड़ा शाही ढंग से बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं। पहले इसका रेडी कर लेते हैं किस तरीके से बनाना है। चलिए अब हम इस सामग्री को सबको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये काजू लिए, थोड़े से काजू आप ऊपर के लिए बचा सकते हैं। सौंफ लिए मैंने, सौंफ डाल देते हैं। ये थोड़ी शाही तरीके से बना रहे हैं तो हम सब चीजें इसमें डालेंगे, ये काजू बादाम वगैरह। और ये मैंने पिस्ता डाला है, थोड़े से हम बादाम डाल देते हैं। और ये मैंने कोकोनट लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट, ये मार्केट में अवेलेबल होता है जिसको कोकोनट का चूरा भी कहते हैं, ये सब मैंने ले लिया है। अब मैं इसमें ये इलायची पाउडर है वो डाल रही हूँ, छोटी इलायची का। अब हम ये पान लेते हैं। पान के मैंने धो लिया अच्छे से और इसके जो डंडियाँ हैं नीचे से वो कट कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा और काट लेते हैं यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से काट लेना है। अब हम इनको पत्तों को छोटा छोटा काट के इसमें डाल देते हैं। पूरा एक तरह से पान मसाला बन जाएगा, आप किसी में भी इसको यूज कर सकते हैं। चाहे तो पान की हमने ड्रिंक बनानी हो, या आइसक्रीम बनानी हो, या पान के शॉर्ट्स बनाने हो। अब हम इन सब ड्राई चीजों को पीस लेते हैं। ये देखिए अभी इन सभी चीजों को मैंने पीस लिया है अच्छे से, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। अब हम इसमें गुलकंद डाल देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए अच्छे से पीस लिया है। अब हम गुलकंद डाल देते हैं। बिल्कुल पान का फ्लेवर आना चाहिए हमारे चीज में, इसलिए हम लोग सब चीजें डाल रहे हैं। ये अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डाल देते हैं और इसको फिर से पीस लेते हैं। ये देखिए हमने इसको अच्छे से पीस लिया है और ये इस तरीके से बन गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप डाल लीजिए, पर ग्रीन कलर डालने से बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। तो ये मैंने 2-4 बूंदे ग्रीन कलर की डाल दी, ये भी मार्केट में अवेलेबल है ग्रीन कलर भी। ये देखिए इस तरीके से आप मार्केट से ले सकते हैं। और अब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब, 2 बड़े चम्मच। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, तो आपको पीसना नहीं पड़ेगा। इसको मैं एक बार फिर से पीस लेती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए दोस्तों हमारा पान मसाला बनके रेडी है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। आप 1 वीक के लिए आप इसको फ्रिज में भी रख देंगे तो ये खराब नहीं होगा। अगर आपने और देर चलाना है तो इसको आप क्यूब्स बना के फ्रीजर में भी रख सकते हैं। तो आप जब भी दिल करे आपको शॉर्ट्स बनाने हैं, आइसक्रीम बनानी है, जब भी आप इसको निकाल के यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको निकाल रही हूँ अभी। ये देखिए इसको सारा इसमें निकाल लेंगे। इसके लिए बड़ा बर्तन लेना है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये 2 लीटर के करीब बनेगी हमारी।
ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब इसको हम पहले इसको स्लो ही रखेंगे, स्लो करते करते फिर हम इसका ये बढ़ाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको अच्छे से हम लोग पूरा 2-3 मिनट तक कम से कम करेंगे। ये देखिए काफी फ्लफी हो गया है। अभी थोड़ा सा हम और करेंगे, ये वॉल्यूम इसका बढ़ जाना चाहिए काफी। ये देखिए काफी हद तक फूल गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, 2 बड़े चम्मच के करीब। ये मैंने मदर डेरी वाली क्रीम लिया, आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। ध्यान रहे कि क्रीम भी ठंडी हो, बिल्कुल चिल्ड हो। अब फिर से हम इसको करते हैं चल। ये देखिए मेरा आइसक्रीम का बेस बनके रेडी हो गया है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि कितना फ्लफी हो गया है और 4 गुना बढ़ गया। ये देखिए जैसा कि देख रहे हैं ये हो चुका है, मेरा बेस बनके रेडी हो गया है। ये मैंने आधा लीटर दूध लिया था और उससे ये मेरी 2 लीटर के करीब आइसक्रीम बन गई है। तो चलिए बेस रेडी हो गया, अब हम बनाते हैं अपनी आइसक्रीम। चलिए अब हम अपनी पान की आइसक्रीम बनाते हैं। तो मैं ये जो बेस बना हुआ था उसको ले लेते हैं, जितनी हमें आइसक्रीम बनानी है। ये देखिए मैंने बेस इतना ले लिया है। अब इसके अंदर जो मैंने पान का ये बैटर बनाया था वो ले लेते हैं हम। ये 1.5 चम्मच के करीब आप ले लीजिए, आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा कलर डाल दूंगी, इसमें 2-3 बूंदें हम कलर की डाल देते हैं। जिससे हमारी आइसक्रीम का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो नहीं डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। ये देखिए अब हम इस पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। कलर बहुत ही अच्छा आया माशाल्लाह। थोड़ी सी मैं गुलाब की पंखुड़ियां डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से ढककर एयरटाइट कंटेनर में इसको रख के और हम फ्रीजर में रख देंगे कम से कम 3-4 घंटे के लिए, और उसके बाद ये बन जाएगी। तो चलिए इसको फ्रीजर में रख देते हैं। ये देखिए 6-7 घंटे हो गए हैं हमें रखे हुए फ्रीजर में। अब हम देखते हैं अच्छे से जम गई है।
बहुत ही स्मूथ चलेंगे। ये देखिए हमारी आइसक्रीम रेडी है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता बादाम वगैरह डाल देते हैं। और थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियां डाल देते हैं। तो ये देखिए हमारी पान आइसक्रीम बनके रेडी है। इस तरीके से आप बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।